मेरी माँ ऐसी हैं कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास किराए का घर था, और फिर जब मेरा काम निकल पड़ा उसके बाद अपना घर बनाया मैंने। मेरी मम्मी की मैंने एक चीज देखी है और वो मैं उनसे सीखता भी हूँ ये चीजें, वो जिस भी हाल में रही हैं खुश रही हैं। अभी भी आप देख लो, अभी भी चले जाओगे ना आप, तो वो ये नहीं कभी फील करती है कि मैं कपिल की मम्मी हूँ तो मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैंने अभी हाल की मम्मी को कहा, मैंने जब मैं अमृतसर जाता रहा हूँ तो मैंने कहा मम्मी अभी बार्गेनिंग नहीं करना मेरे साथ जाना, तो मैंने गाड़ी ली थी वहां पे पहली, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया। मैं कहा मम्मी सेब खाती हो रोज, और क्या अपनी माँ को बोल दे आदमी नहीं सेब आ कहाँ रहे मार्केट में, हालांकि क्योंकि उस दिनों उन दिनों 200 रुपए किलो हो गए थे सेब, तो वो कहती आई नहीं रहे मार्केट में। मैं कहा चलो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया, सेब सेब ही सेब लगे हुए। अब चले गए दुकानदार के पास, तो मैंने कहा 5 किलो सेब दे दो ऐसे, और सारा फ्रूट वूट जो भी पैक कराया। मैं थोड़ा सा इधर गया तो मम्मी मेरी पैंट कम करना, मैं कहा मम्मी कम नहीं करने, तो मैं देख लिया मम्मी को ऐसे घूरा तो मम्मी हट गई। इतनी देर में सर चूहा निकला पीछे से बड़ा मोटा था, तो मैंने ऐसे ही आदत जो अपनी, मैंने कहा चूहे बड़े तुम्हारे मोटे, फ्रूट वूट खाते होंगे तुम्हारी रेडी से। मम्मी कहती हाँ ये खाने देगा जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा। तो वो नेचुरल होता है अंदर।